मुरादाबाद जनपद में नगर निगम की टीम द्वारा रामगंगा नदी के किनारे डूब वाली जमीन में किए गए निर्माण को अतिक्रमण बताकर हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। आज नगर मजिस्ट्रेट की अगुवाई में नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से मुगलपुरा इलाके में रामगंगा नदी के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान पीएसी और भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। सबसे पहले वहां विद्युत कर्मचारियों को बुलाकर घरों के बिजली कनेक्शन काटे गए, उसके बाद लाउडस्पीकर से लोगों को आधा घंटे के अंदर अपने अपने घरों को खाली करने का आदेश सुना दिया गया। जल्दबाजी में लोगों ने अपने अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया और घर में रखा सामान ठेलों पर लादकर ले जाने लगे। इस दौरान लोग अपनी जमीन के रजिस्ट्री के पेपर और NOC नगर निगम के अधिकारियों को दिखाते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी और उनके निर्माण को अवैध बताकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और शादी हॉल को JCB मशीनों से जमींदोज कर दिया। हालांकि अभियान का स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन बाहरी पुलिस फोर्स को देखकर शांत होना पड़ा। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर रामगंगा नदी किनारे सैकड़ों मकान जब बन रहे थे तो उस वक्त नगर निगम या बाढ़ खंड विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी? अगर वक्त रहते इन मकानों को बनने से रोक दिया जाता तो आज इतनी पुलिस फोर्स लगाकर यह अभियान नहीं चलाना पड़ता और ना ही किसी गरीब के सपनों का आशियाना जमींदोज होता। ये मैंने परेशानी बनाया अपने बच्चों को, पैसा कर छोटे छोटे बच्चों को बर्तन काटा पेट करा। और मैंने 50,000 रुपए मैंने लोन से भी लिए हैं, RD मेरे नहीं लिए, वो मैंने उधार कर्ज करके लिया। वो मैंने अभी बनाया रमजान, और मैंने चोरी हो रही थी इसमें किरत जला दी थी मेरी जूते पीछे से, और मैंने 5-6 दफे चोरी भी हो गई। अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई दरबार भी ना आए ना मेरा कोई सर आएगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं है। नगर निगम MDA और पुलिस और मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक संयुक्त रूप से टीम मंडलायुक्त महोदय के द्वारा बनाई गई है, जिसमें रामगंगा नदी किनारे का ये जो क्षेत्र है बरवलान क्षेत्र आता है थाना मुगलपुरा के क्षेत्र के अंतर्गत, यहाँ में पूर्व में फरवरी में भी एक इस तरीके का अभियान चलाया गया था जिसमें डूब के क्षेत्र में आने वाले जो भी इलीगल निर्माण कार्य थे उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी। आज पुनः ये टीम यहाँ पर माननीय मंडलायुक्त महोदय के निर्देश क्रम में संयुक्त टीम यहाँ पर पहुँची है और हम लोगों ने पूर्व में जो चिन्हित स्थल कर रखे थे रेड निशान लगा के हम लोगों ने उसी क्रम में हम लोग ये कार्रवाई को हम लोग इसमें अंजाम दे रहे हैं। आज जो है आज हम लोगों ने अब तक 12 के आसपास हम लोग मकान यहाँ से मकान और बाउंड्री वाल है, कुछ पक्के इस तरीके के दरवाजे वगैरह तक बने हुए हैं, इस तरीके 15 से 18 के आसपास हम लोग कर चुके हैं। हमारी एक टीम पूरी पैरेलल लगी हुई है जो सर्वे भी करते आ रही है कि कितना दोस्तीकरण हो रहा है। एक बड़ा काम आप पीछे देख सकते हैं कि एक बैंकट हॉल है जो एक बड़ा निर्माण कार्य था यहाँ पर, उसको दोस्ती कड़ी कार्रवाई इस समय वर्तमान में चल रही है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि कितने लोगों के द्वारा इलीगल दूर के क्षेत्र में मकान बनाते जा रहे हैं। जिस प्रकार से लोग बनाते चले जाएंगे हम लोग उस पर इलीगल जो भी इंक्रोचमेंट है उसको उठाते चले जाएंगे। लगभग 100 से ऊपर हम लोगों ने चिन्हित हम लोगों ने ऐसे किए थे समस्त मुरादाबाद में नदी किनारे जो मकान थे या अस्थायी रूप से या फिर कह सकते हैं बाउंड्री वाल के रूप में लोगों के द्वारा निर्माण किए गए थे।